दोस्तों, ये दिल्ली का वो सरकारी स्कूल है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े खुश होते हैं, लेकिन इस स्कूल की ऐसी हालत देखकर आपका स्कूल जाने का मन नहीं बल्कि इस स्कूल से दूर भागने का मन करेगा। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल की जो हालत आप देख रहे हैं वो बड़ी भयंकर और डरावनी है। दोस्तों, ये घटना बीते शनिवार 8 जुलाई की है, जब तेज बारिश के कारण इस स्कूल की दीवार जमीन में ढेर हो गई, साथ ही इसके नीचे दब गए बहुत सारी गाड़ियां। दोस्तों, खैरियत की बात तो यह है कि जब ये दीवार गिरी थी तब स्कूल बंद था, क्योंकि सेकेंड सैटरडे के कारण स्कूल की छुट्टी होती है। और यही बात है कि बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। क्या कहते हैं यहाँ के पूर्व चेयरमैन, सुनिए जरा। इस स्कूल को बने हुए मात्र 4 महीने हुए हैं, 4 महीने के अंदर इनकी ये पोल खुलती नज़र आ रही है। पुरानी बिल्डिंग को किस तरह से लेग लपेट करके करोड़ों रुपए खाने का जो काम यहाँ पर हुआ है, दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ये काम हो रहा है। दोस्तों, सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर करोड़ों रुपए की लागत लगने के बावजूद भी क्या कोई बिल्डिंग मात्र 4 महीने में ही सिर्फ एक बारिश के बाद जमीन में ढेर हो सकती है? आपके भी घर बने होंगे, हमारे भी घर बनते हैं, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए, वो भी करोड़ों रुपए लगाने के बाद, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो फिर सवाल आता है कि आखिर वो करोड़ों रुपए किस पर लगे, कहाँ गए, क्योंकि बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हो। स्थानीय लोगों के साथ साथ मंत्री जी का क्या कहना है, जरा सुनिए। 16 करोड़ की लागत से 4 महीने पहले इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है। पुरानी दीवारों पर नई टाइलें लगा दी गई हैं और देखें नीचे का बेसमेंट, नीचे का जहाँ भरना चाहिए था वहाँ मलबा भरा हुआ है। सीधा सीधा पैसे कमाने का जरिया है, इसमें मोटा भ्रष्टाचार हुआ है। और अफसोस ये है कि शिक्षा मंत्री का ये खुद का क्षेत्र है, आतिशी मार लेना का। दोस्तों, ये घटना दिल्ली कालका जी का है, जहाँ की विधायक और शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना जी हैं। तो जरा सुनिए उन्हें भी क्या कहा उन्होंने। दिल्ली सरकार के कई स्कूल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पुराने हैं, जहाँ पे स्कूल की दीवार गिरी है। इनफैक्ट 2 स्कूल हैं जहाँ पर दीवारें गिरी हैं दिल्ली में, वहाँ पे वो तकरीबन 35-40 साल पुरानी दीवारें हैं। तो जितनी बरसात हुई, 150 mm बरसात हुई, बहुत ही कम समय में हुई, तो उसका नतीजा है ये। दोस्तों, इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियों में सियासी जंग भी छिड़ चुकी है, लेकिन बात अगर बच्चों के, स्टूडेंट्स की सुरक्षा की आए तो सवाल तो बनते ही हैं। आखिर नींव जहां मजबूत होनी चाहिए थी, वहां ये मलबा क्यों रखा गया है? सीमेंट की नींव की जगह मिट्टी और पत्थर भरा हुआ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बच्चों के भविष्य के लिए अब इस स्कूल में क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में।